अभी आपने कुछ फिल्मों की क्लिपिंग देखी, जाहिर है कि आपने ये महसूस किया कि फिल्म देवदास, हमराही, आरजू, ये सब इतनी बड़ी फिल्में हैं कि इनके गाने, इनके नगमे आपने एक बार नहीं हजारों बार सुने होंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये आवाज़ किसकी है, तो हम अर्ज करना चाहेंगे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले और शमशाद बेगम की हम असर गुलुकारा मुबारक बेगम की आवाज़। छठी दहाई में कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं थी जिसमें मुबारक बेगम को ना लिया जाता हो या कोई ना कोई नगमा मुबारक बेगम से ना गवाया जाता हो। वक्त बदला, हालात बदले, मौसीकी का अंदाज़ बदला, और जाहिर है एक वो आवाज़ जिसे हम शहर आफरी आवाज़ कह देते हैं कहीं गुम हो गई। ये हमारी खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने मुबारक बेगम साहबा की खिदमात के एतराफ़ में, एजाज़ में, एहतराम में उनको मधु किया, उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुनी, उनके नगमे सुने। Yeah।
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से आपके दोस्त होंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे, चूँकि आप गायिका हैं तो गायिकाओं में से कौन सी आपकी सहेली रही है? वैसे आपने जिक्र किया था बीच में, लेकिन मैं आप चाहूँगा आप ही बताएं। देखिए, सहेली तो मेरी कोई भी नहीं बनी, लेकिन हमें गीता दस से ज़्यादा वो था, वो बहुत सीधी थी और बहुत, मतलब उनको कुछ नहीं था, नहीं तो लोग गाए और चले गए। सहेली वैसे आशा जी थे, वो भी हमें अच्छा समझती थी, अच्छा मतलब गाने की तारीफ करती थी। एक दफ़ा तो उन्होंने वो खड़ी में थी, वो उसका चाबी का गुच्छा पहने में थी, यहाँ से यहाँ तक चांदी का। मैंने कहा भैया आपने तो बड़ा अच्छा पहन रखा है, ये लो, बोला आप ले लो। अरे मन का नहीं, भाई नहीं नहीं ले लो। खैर हमने कई दिनों तक रखा उसको, सालों साल, अब भी वो जाके कुछ इधर उधर टूट गया तो उसको निकाल के अभी भी संभाल के रखा है, कि कोई पूछेगा कि आशा भोसले ने तुम्हारे को क्या दिया और क्या उनका वो है, तो मैं बताऊंगी कि आशा भोसले जी की ये चांदी की वो है। जहर ये आपके हाँ, लिए एक निशानी है। वो भी दिए उन्होंने, चूड़ियाँ भी दी एक दफ़ा। अच्छा, ऐसे गुलूकार यानी मर्द, मेल सिंगर, इसमें कौन ज़्यादा आप पे आना जाना रहा, बातचीत रही? नहीं, आना जाना तो नहीं रहा, लेकिन तला साहब हमको बहुत अच्छा समझते थे और रफ़ी साहब के घर पे तो हम कभी गए नहीं, और तला साहब के उनके साथ कई फिल्मों में गाया बस। और गायिका जहाँ तक हीरोइन है, मीना कुमारी के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मीना कुमारी से बहुत ताल्लुक रहा है आपके, यही सब तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, उनसे बहुत, उनका साइन में एक फ्लैट था कमाल साहब का, जब दायरे का गाना गा रहे थे तो उस वक्त हम वहाँ पर जाते थे, तो वो थकी भी आ जाती थी। मैं रिहर्सल करके, मन का जमाल जी मैं मीना जी से मिल रहा हूँ, अरे साहेबा अभी थकी भी आई, रहबा जो थे अबार बैठो मनो जाओ मना जाओ। मैं कहा रहबा जो जमाल जी थे न्याराई, मैं चली जाती थी। वो बेचारी कई दफ़ा तो लेटी रहती थी, कई दफ़ा कुछ उनके आँखों में से आंसू भी, कुछ फिक्रात होंगे। फिल्म फेयर में जब हमने गाया, वो तकरीर कर रही थी इधर आगे की सीट पे, अब बार हम बैठे हुए, कुछ बोलने लगी, माइक बंद हो गया जी। मैंने कहा अब्बा जी, मैंने कहा माइक बंद, मैंने कहा माइक बंद हो गया, बैठ। अब्बा जी चुप रहे, अपने आप देख लें, कहाँ उठ के जा रही हूँ, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बैठ यहाँ पर। बाद में फिर वो माइक बंद खोला उन्होंने, तो एक दफ़ा घर पे गए, मैंने कहा अभी, फिर वहाँ माँ आ गई थी बांद्रे से, वो अपने लैंडमार्क में उधर जहाँ आशियाना है अपने नौशाद साहब की तरफ। मैंने कहा अभी तुम्हें क्या हो गया, मैंने कहा इतनी बड़ी हीरोइन होके ये ना पता चला तुम्हें कि माइक ऑन है कि नहीं, तो मजाक करने लगी। हाँ भाई, इतने तो बड़े सिंगर, इतने तो बड़े पर्चे लेके गा रहे हैं, मुझको अपने गले लगा लो मेरे हमराही। बहुत अच्छी, मेरे से बहुत उनका आना जाना। आपने कभी महसूस किया कि उनकी सादगी में हुस्न था, या उनका हुस्न जो था उसमें सादगी थी? नहीं, वो सादा रहती तो बहुत अच्छी लगती थी, वो तो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा मासूम चेहरा, खुश हो जाती थी, बड़ी खुश मिजाज थी, बहुत खुश मिजाज, दूसरों की इज्जत करना है तरह। मैंने कई दफ़ा उनसे कहा भी, मैंने कहा आप तो इतनी बड़ी सिंगर वो हैं हीरोइन, मुझे गाने वाने दिलवाओ। बोलो नहीं मुबारक जी, ये मैं मतलब किसको कहूँ, लोग वो समझेंगे। अच्छा, मैंने कहा जाने दीजिए, वो तो लोगों ने मुझे खुद ही गवाया, चांदनी चौक में, बेनज़ीर में, बिमल राय साहब मुझे गवाते ही रहे, बिमल राय हमेशा गवाते थे। अच्छा, ये गाना जो चला तो गवाते ही रहते थे बहुत, हालांकि मुझे याद नहीं है कि आमने सामने कभी उन्होंने बात करी हो। उस दौर में हीरोइनें कौन आसमान पर थी, लोग फैन होते थे। मीना कुमारी का तो जिक्र आपने किया, जिक्र किया मीना का, वो ये सब थी, जैसे सुचित्रा सेन है, मधुबाला है, लेकिन मुझे मधुबाला बेहद पसंद, हुस्न के एतबार से, और क्या भोला चेहरा, क्या वो तो फिल्म लाइन मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई हीरोइन मेरे ख्याल में तो नहीं आई जैसी वो थी। और उनके बाद सुचित्रा सेन, वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगती थी, और काम भी इतना भोलापन, सिर्फ एक जबान से, ज़रा उर्दू जबान, थोड़ा कलकत्ते की जबान जी हाँ। तो वो थोड़ा गालिब आ जाती थी, लेकिन वो ममता में, इसमें, उसमें क्या काम किया था, वाह भाई। हीरो का जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ आपने ज़िम्न दिलीप कुमार का जिक्र कर दिया जी। नहीं, हीरो में
तो दिलीप साहब तो खैर हैं, उनका मुकाबिल तो कोई है नहीं। कभी देवदास के सेट पर मुलाकात हुई थी उनसे? देवदास के सेट पे तो नहीं, वो सेट कहाँ था, हम तो रिकॉर्डिंग करने गए थे वहाँ। हाँ, वो तो अलग अलग जी, तो अलग होता है। दिलीप साहब हैं, उसके बाद और बहुत सारे धर्मिंदर हैं, धर्म साहब भी बहुत ही अच्छे एक्टर, बॉस मुझे बहुत पसंद है वो भी। एक दफ़ा दिल्ली के हवाई अड्डे पे तो हमारे अब्बा जी कहने लगे मुबारक बेगम हमरा की फूल अच्छा। चुने लगे, बहुत सीधे इंसान, बहुत प्यारे। हाँ, उनको भी 50वां अवार्ड मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले। और उसके बाद जो हीरो हमें पसंद है वो अमिताभ बच्चन। अच्छा, वो जिस वक्त वो हीरो बने रहे उस वक्त बेहतरीन उन्होंने काम किया है, जवाब नहीं रखते। अच्छा, वैसे तो महाराष्ट्र हुकूमत जो है वो आपको वजीफा दे रही है 7-7.5 महीने का। फिल्म में इंडस्ट्री में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो इस तरह की मदद करती रहे, माली मदद करती रहे? अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो मकान जो है ना, मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगी। जो गवर्नमेंट ने मकान दिया है काफ़ी जद्दोजहद के बाद, हमारे पास तो पैसे थे नहीं, इसके भी 10% के भी नहीं थे, वो जावेद साहब ने हमें दिलवाए। जावेद साहब की बड़ी मेहरबानी, शबाना और जावेद साहब। महाराष्ट्र हुकूमत ने मकान मुहैया किया है? हाँ, महाराष्ट्र ने, वो भी कई बरस तक होते रहे। फिर दत्त साहब के पास गए हम, सुनील दत्त के, तो वहाँ भी सेक्रेटरी रहते थे। मैंने फ़ोन किया तो एक आदमी ने उठाया, मैंने कहा मैं मुबारक बेगम बोल रही हूँ, कब मिलेंगे? वो सेक्रेटरी हैं, बोलो। बोला आपा मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा। उस जमाने से, नरगिस के ज़माने से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो सेक्रेटरियों के, तुम रोज़ आते हैं, आके मिल लो उनसे। तो दस साहब तो उस वक्त वो बन गए थे, उनसे मैंने जाके, एक दो आदमी बैठे थे, फिर यूँ जाके इस तरह यूँ ऐसे यूँ बैठे हुए थे और मैं इधर बैठी थी। मैंने कहा दस साहब मैं मुबारक बेगम, वो इस तरह से ऐसी हैरत से मुझे देख रहे हैं आप, अरे इनको देखो, ये तो उस वक्त थे जब वो कोई भी नहीं था सिंगर, इतना नाम, इस कदर खुश हो गए कि मैं तो देखती रह गई, हैरान रह गई। वो एमपी थे उस वक्त? एमपी थे, हालांकि उनकी पिक्चर में भी मैंने गाया, उनकी बीवी की भी, कुंदन में मैंने गाना गाया, कुंदन में सुराम मोदी की, सुनील दत्त थे उसमें हीरो, और वो शीशा में उनकी बीवी थी नरगिस जी, सब मैंने गाया, लेकिन उनको याद ही नहीं रहा। मैंने कहा साहब आज तो मैं आपके पास काम से आई हूँ, कब से एसेंशन हुआ हुआ अभी तक कोई मकान का पता नहीं। उन्होंने देखा, बोलो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा आप कर तो देंगे। फिर अपने उस पर आ गए, भाई मैं कोई मिनिस्टर तो हूँ नहीं। हाँ, फिर वो तो अपने उस पर था, सादा लो इंसान रहे हैं वो जी। ठीक है, वो हम देखे। फिर वो बाद में एक दिन ये हुआ कि बस बाद में चले आए हम, फिर पता ही नहीं, वहाँ से लेटर भी आया। फिर हम वहाँ गए भी, मंत्रालय भी मारे मारे फिरते रहे, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर दस साहब उनको कहा सेक्रेटरियों को, तो बोले उन्होंने कहा फिर से एप्लीकेशन आपकी पहले लाओ। मैं देने जाने वाली थी कि वो हवाई जहाज से गिर गए। अरे दस साहब, हाँ हवाई जहाज गिर गया था उनका, तो कई दिनों तक बीमार रहे। तो मैंने कहा आप तो जाना ही बेकार है ना, हुक्म वक़्त मारे सेक्रेटरी जाने देंगे मैं क्या करूँ। मैं वही पुरानी एप्लीकेशन ले कर चली गई। वो बहुत दिन देर के बाद कहीं बिलासराव साहब के नंबर आया, देख वो अच्छा, वो पहचाने क्या मुबारक बेगम है, आप फनकारा हैं, गुरुकारा हैं? नहीं पहचाने। अच्छा, वो देख के बोला अच्छा अच्छा, यानी दत्त साहब का नाम देखा ना तो वो करके। तो उस वक्त मैं तो गुस्से में तो थी, मैंने कहा देखिए आप कुछ कर दीजिए, और नहीं है तो हमें मना कर दीजिए, आप साफ जवाब दे। नहीं नहीं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ, बस वो अल्लाह कहलवाए। और फिर वो बाद में जाके एकदम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में गए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे मकान का वो बोर्ड पे नाम आया। मैंने कहा अच्छा, तो वो बोर्ड पे नाम आके बाद में। मुबारक बेगम साहबा, हमने आपके दौर के कलाकारों के बारे में पढ़ा है, हीरो हीरोइन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फनकार हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी रही है, क्या वजह थी? क्या पैसा नहीं मिलता था या पैसा बच नहीं पाता था? नहीं, पैसा ही नहीं मिलता होगा, और अगर मिलता भी होगा तो उस वक्त कुछ शौक वौक उनके रहे होंगे, ऐसा भी तो होता है ना। जी जी,
तो ये आपकी जिंदगी और पुराने फनकारों की जिंदगी जिनका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है, बड़ी इबरत अंगेज जिंदगी है कि एक तरफ नाम है, शोहरत है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और देखिए आप रेडियो टीवी वाले आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, अखबारों में आपकी तस्वीरें आ रही हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और अभी आप दिल्ली तशरीफ लाई तो पूरा प्रेस आपके आगे पीछे जी, है जी, जी। लेकिन दूसरी तरफ माली हालत देखिए, तो वहाँ पर अफसोस करना पड़ता है। अफसोस की कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, अब इसका तो क्या किया जाए। या यूँ कहें, फनकार के लिए दौलत कुछ नहीं होती, पैसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं तो, इसलिए कि पैसा होना तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत है। हम ये कह दें तो हम अगर कुछ लेने जाएं वो तो नहीं कहेंगे, पैसे तो कीमत होती है, कदर करनी चाहिए, पैसा तो मिलना है, पैसे वगैरह तो आप भी जानते कुछ भी नहीं होता। अच्छा, नई नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे अगर कोई सिंगर बनना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहता है? भाई ऐसा है ना कि फिल्म इंडस्ट्री से तो हम खूब वाकिफ हैं जी, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था। मैं तो उनको सलाह नहीं दूंगी, फिल्म लाइन आसान नहीं है। आपको शेर व शायरी पढ़ने का बहुत शौक बहुत है, सुनने का बहुत शौक हाँ, है, बड़ा शौक है। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई यही शेर? एक तो शेर यह है कि मिलने को यूं तो दुनिया में मिलते हैं हजारों दोस्त, मगर एक मुखलिस से तन्हा गम के सिवा हर दोस्त जुदा हो जाता है। बात को एक शेर है कि वो तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, लोग सदियों की रिफाकत को भुला देते हैं। क्या बात है, वाह। थक के बैठे हुए रहबर की तरफ मुड़ के ना देखो, मुस्कुराते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। बहुत खूब। रहबर तो दो गाम सहारा देता है, रहबर हमेशा साथ नहीं रहते, दो चार कदम चले छोड़ के पीछे। यानी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो हिम्मत की भी कोई हद होती है जनाबे अली। लेकिन आपने उस हदों को पार किया, गालिब हुई, और आप जैसा कि कई बार हम अर्ज कर चुके हैं कि 40 साल के बाद दोबारा आपने गायकी शुरू की और लोगों को यह एहसास दिलाया कि फनकार का फन हमेशा जिंदा रहता है। रईस साहब, ये तो सब मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे फैन जो हैं उन्होंने ये सबको याद दिलाया, और अब हमें पता चला कि हम नहीं जानते थे, फैन तो थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इस दर्जा इतना हमें चाहते हैं वो, कि आज भी मतलब लोग हमारा सुन के और इतना इतना मतलब फंक्शन कर सकते हैं। नहीं, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया फला मुबारक बेगम, अरे वो हैं क्या अभी, लो भाई, यानी वो तो हमें जिंदा ही नहीं समझ रहे। हाँ, अब मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई हमें जी तो लेने दो, जीने तो दिया होता उसके बाद ही ये कहते, लेकिन बिला समझे सोचे समझे लोग कुछ भी कह देते हैं, और कोई तो कहते हैं वो हैं ही नहीं यहाँ पे, चली गई क्या। तो ये हमारे फैन लोग, हमारे रेडियो सिलोन, ये सब लोगों ने उनको ये एहसास दिलाया कि वो अभी हैं, इतने इतने गाने और ऐसे ऐसे गाने कि हम सुनते हैं खुद हमको। एक शेर है, देखिए, सरापा आरजू हूँ दर्द हूँ दागे तमन्ना हूँ, सरापा आरजू हूँ दर्द हूँ दागे तमन्ना हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब कि मैं आप अपनी दुनिया हूँ, मुझी में इश्क आलम, मुझी में हुस्न की दुनिया, मुझी में हुस्न का आलम, मुझी में इश्क की दुनिया, निसार अपने पे हो जाऊं अगर 100 बार पैदा हूं। जिगर साहब का शेर, गोया ये जीने का सहारा रहा आपका सहारा। हम क्या थे क्या नहीं, लेकिन कई गाने सुन के हम को ऐसा लगता है कि या अल्लाह ऐसे ऐसे गाने हमने गाए, इतनी आवाज अच्छी लगती है मेरे को, हालांकि आर्टिस्टों को ये कहना नहीं चाहिए, तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल को जिसको कहते हैं ना, दिल पे जाके, आज तक तो मैं ये सुना करती थी कि दिल पे कैसे लगता है, लेकिन जब ऐसा कोई गाना या किसी दूसरे का भी बजता है तो यहाँ जाके झटका सा लगता है, इसको कहते हैं दिल पे मतलब लगता है। तो कई हमारे भी ऐसे वो हैं जिनको हमारे गाने सुनते हैं शो में बैठे हुए, आँखों से आंसू जारी हैं, इतने पसंद करने वाले। मुबारक बेगम साहबा, आपने डीडी उर्दू चैनल के लिए वक्त निकाला, हमसे गुफ्तगू की,
हम आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेलोडी क्वीन मुबारक बेगम, सहर आफरी आवाज़ मुबारक बेगम, सहर अंगेज़ गुलुकारा मुबारक बेगम, एक ऐसी हस्ती जो हमारे आपके लिए हर एतबार से मोतबर है, काबिले एहतराम है, काबिले इज्जत है। हम शुक्रगुजार हैं मुबारक बेगम साहबा के कि उन्होंने अपनी यादों के कारवां में हमें शरीक किया। ये सफ़र जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने उनके साथ किया। अब हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं।